जब देसी गोवंश में देसी गोवंश का ही जब क्रॉस हो, यानी कि राठी या साहिवाल का गिर के साथ जैसे कि क्रॉस हो, तो उसकी जो दूध देने की क्षमता है वो एक तो बेहतरीन हो जाती है और जो दूध की क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो उससे पहले सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं राउजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। आज हम आपके लिए एक गिर क्रॉस की गाय की वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही शानदार एक अच्छी कद हाइट के अंदर है। जो भी भैया जिस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया गया है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर गाय के डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो गाय की सेकेंड टाइम डिलीवरी होगी और एक महीना अभी बच्चा देने में बाकी है, यानी कि 25 से 30 दिन का समय अभी डिलीवरी में बाकी है। और जब ये किसान के घर पर अभी पहुँचती है, यानी कि 5 से 10 दिन के अंदर जब पहुँच जाती है, तो 20 दिन जब बच्चा देने से पहले वो उनके खान पान के अंदर, रहन सहन के अंदर, यानी कि उसके वातावरण के अंदर बिल्कुल अनुकूल या सेट हो जाएगी। और जो रियल के अंदर जो गाय की जितनी दूध देने की क्षमता है वो उतनी दूध देने की क्षमता अपनी बरकरार रख पाएगी। अगर गाय की अगर हम सेकेंड टाइम में अगर दूध देने की क्षमता के बारे में बात करें तो लगभग 14 लीटर के प्लस की दूध देने की क्षमता रखने वाली है। पहले ब्यांत के अंदर इस गाय ने 12 लीटर के करीब दूध दिया हुआ है, तो अब के बार हम इससे आइडिया के अनुमान के मुताबिक सोच सकते हैं कि ये गाय अब के बार 14 लीटर के करीब दूध देने की क्षमता रखने वाली है। एक अच्छी कद हाइट की है, शानदार हम्प साइज के साथ में है। टीट्स का साइज है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये गाय कहाँ पर है, तो विलेज कमीनपुरा, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर के अंदर उपस्थित है। और इसकी कीमत अगर हम बात करें तो कीमत इसकी 45,000 रुपये डिमांड की जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय गो माता।